यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत रानी दुर्गावती चौक संजय गांधी नगर क्षेत्र में क्राइम ब्रांच यूनिट 5 द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान की गई कार्रवाई में प्राण घातक शस्त्र समेत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं और मामले में निहित अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल यशोधरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रानी दुर्गावती चौक संजय गांधी नगर क्षेत्र में कल रात को 2:50 पर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 द्वारा गुप्त जानकारी के आधार पर सेंटर जेरोक्स श्री कॉम्प्लेक्स एनआईटी कॉम्प्लेक्स के पीछे वाले परिसर में पुलिस दस्ते द्वारा कार्रवाई की गई, जहां बड़ी मात्रा में अवैध माल बरामद किया गया है। इस छापेमारी में 3 घातक हथियार, रस्सी, मिर्ची पाउडर, 6 मोबाइल, 2 मोपेड मोटरसाइकिल एवं 55 ग्राम MD ऐसे कुल रूपए 3,13,450 रूपए का माल बरामद किया गया है। साथ ही साथ इस मामले में निहित आरोपी सदर निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद मुजम्मिल आरिफ अहमद कुरैशी, 29 वर्षीय जैनुल उर्फ आबिदीन सलीम कुरैशी, 29 वर्षीय हाशिम निसार कुरैशी समेत 25 वर्षीय नावेद अहमद शेख, 24 वर्षीय आकाश संतोष कटारे और 40 वर्षीय रोमन दामोदर मेश्राम, इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने। दिनांक 15/8/2023 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यूनिट 5 क्राइम ब्रांच की टीम यशोधरा नगर और पूरे एरिया में रात्र गश्त पे या आरोपियों की शोध मुहिम पे थी। उस वक्त गोपनीय बातमीदार की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ लोग हथियार लेकर कुछ खुराफात करने या कोई दरोड़ा वगैरह का प्लानिंग कर रहे हैं और जमा हुए हैं। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूनिट 5 की टीम ने वहाँ पर जाकर देखा तो करीब 5-6 लोग वहाँ जमा हुए थे और फिर पुलिस ने उन्हें घेर कर उन्हें पकड़ा। तब उनकी तलाश ली गई तो उनकी तरफ हथियार और कुछ नारकोटिक्स सब्सटेंसेस मिले। उस पर से उन पे गुनाह दाखिल किया गया है। ये घटना यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के संजय गांधी नगर रानी दुर्गावती चौक के NIT कॉम्प्लेक्स के पास हुई है। तो वहाँ पर वो लोग छुपे हुए थे और कुछ अपराध करने की साजिश कर रहे थे। मैं कुल 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया, तब उनमें से 5 लोगों पर पुराने बॉडी ऑफेंस और प्रॉपर्टी ऑफेंस के मामले दर्ज थे। इस बारे में पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर यहाँ दरोड़े की तैयारी का गुनाह दाखिल किया गया है और पुलिस स्टेशन यशोधरा नगर आरोपियों की तरफ आगे का तपास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेम्बो ने की रिपोर्ट।